सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। मुंबई टाइम्स की रिपोर्ट। कोरोना के चलते 10वीं 12वीं की चल रही ऑनलाइन क्लास और उसके ऑफलाइन एग्जाम की घोषणा ने छात्रों को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया। सोमवार की सुबह सोशल मीडिया के सुपरस्टार हिंदुस्तानी भाव के आह्वान पर मुंबई के धारावी इलाके में हजारों की संख्या में मुंबई के कोने कोने में छात्र आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। वहीं अन्य विद्यार्थियों का कहना था कि जब राज्य सरकार के मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य सरकारी महकमा कोरोना के डर से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, ऐसे में हम विद्यार्थियों को ऑफलाइन एग्जाम देकर हमारी जान के धोखे में क्यों डाला जा रहा है। इसे रद्द किया जाना चाहिए या फिर ऑनलाइन एग्जाम लिया जाना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में हो रहे प्रदर्शन के चलते जहां धारावी की लगभग सभी सड़कों पर पूरी तरह जाम रही, वही धारावी पुलिस को उन्हें काबू में करने का काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी। धीरे धीरे उर्ग रूप धारण कर रहे छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस के जवानों ने काफ़ी मेहनत की। आंदोलन की उग्रता को देखते हुए मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी धारावी जाकर स्थिति का जायजा लिया। धारावी में 90 फीट रोड, साइन, बांद्रा लिंक रोड, नायक नगर समेत अन्य इलाकों की सड़कें पूरी तरह से छात्रों से भरी रही। हालांकि इस बारे में पुलिस प्रशासन ने कुछ भी बयान देने से इनकार कर दिया, पर शाम तक छात्रों का झुंड धारावी में रुका रहा। बता दें कि धारावी राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का निर्वाचन क्षेत्र है और वे यहां से लगातार 4 बार जीतकर आ चुकी है। ए, 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 ए,